आज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो और उसका इनिशियल वेलोसिटी यू हो, फाइनल वेलोसिटी वी हो, और उस यू से वी बदलने में टी टाइम लगता हो और उतने में यू से वी तक वेलोसिटी होने में एस दूरी तय करता हो, तो उसका क्या क्या इक्वेशन होता है? तो उसका तीन इक्वेशन होता है। फर्स्ट होता है वी इजकल टू यू, वी इजकल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद होता है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा होता है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसमें यहाँ पर क्या है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू है इनिशियल वेलोसिटी, भी क्या है फाइनल वेलोसिटी, भी है फाइनल वेलोसिटी किसी पार्टिकल का फाइनल, ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या इसको लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं। और टी हो गया, एस हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी लिखे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, टी हो गया, टी क्या हो गया, टी हो गया टाइम, हो गया इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, या इसको एस दूरी जाने में जो टाइम लगता है वही हो गया, या इसको लिखते हैं टाइम इन ट्रेवलिंग एस डिस्टेंस, एक ही बात हुआ, एस दूरी तय, और इसको लिखिए टी इन टाइम टी सेकेंड, टी सेकेंड ट्रेवलिंग एस डिस्टेंस, समझ गए। यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी किसी पार्टिकल का हो, भी उसका फाइनल वेलोसिटी, ए होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एस हो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, टी हो गया इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होने तक में जो टाइम लगा, या इनिशियल से फाइनल तक जाने में जो टाइम लगा, यही है। तो देखिए ये पहला निकालते हैं, हम जानते हैं ए बराबर क्या जानते हैं, डी वी बटे डी टी बराबर क्या होता है, ए होता है, इसको लिखेंगे डी वी बराबर ए डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी वी ए डी टी, इंटीग्रेशन होगा, ये क्या होगा, यू इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है भी, इसका क्या है ए, इसमें कॉमन ले लिए तो ए चूंकि कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लिए, ये क्या होगा जीरो, जब चलेगा वहाँ से जीरो टाइम हुआ, और टी हो गया टाइम, भी तक होने में टाइम लगा, भी वेलोसिटी होने तक में जो टाइम लगा टी हो गया, अब इसको कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, भी होगा इंटीग्रेशन, ये हो गया यू भी बराबर हो गया ए टी, ए टी हो गया ये जीरो टू टी, तो ये आ गया भी माइनस यू, अपर लिमिट में डालें लोअर लिमिट, और ये हो गया टी, तो आ गया भी बराबर यू प्लस ए टी, ये पहला आ गया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, अब हमको निकालना है एस, निकाल एस बराबर यू टी प्लस
तो अब देखिए ds बटे dt बराबर क्या होता है, ds बटे dt बराबर होता है, मान को सर ये ds बटे dt बराबर क्या होता है, ये v होगा t टाइम के बाद, तो हम ये ले लिया v, समझे। तो ये हो गया ds, हम इसलिए लिए हैं v के बदले हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी लिखेंगे, ये हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ जीरो टू s इसको करेंगे, इसमें क्या चीज भाई कर रहे t करेगा जीरो टू t, तो ये क्या हो जाएगा s हो जाएगा, इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा u dt जीरो टू t, ये क्या हो जाएगा ए टी जीरो टू t ए टी dt। अब इसको लिखेंगे u कांस्टेंट है, शुरू इनिशियल वैल्यू से u है, तो u ले लिए बाहर, तो क्या हो जाएगा dt टी जीरो टू टी जीरो टू टी, ये इसमें एक कॉमन ले लिए, एक कांस्टेंट है एक्सप्रेशन जीरो टू टी, ये टी डी टी। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा u t हो जाएगा, ये देंगे तो लिमिट देंगे तो क्या होगा टी जीरो टी देंगे, और यहाँ पर क्या होगा ए प्लस टी स्क्वायर बाय हाफ होगा, इसको भी लिमिट लेंगे जीरो टू टी देंगे, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। एस हम इसलिए हम लिए एस, इसको एक्स भी दे सकते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो एक्स हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा तो वाई हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन में अगर जाता हो तो हम इसको ले सकते थे वाई भी, तो हमने एक ले लिया एस, एस का हो सकता है कंपोनेंट ये भी एक्स भी हो और वाई भी हो, तो इसीलिए मैंने एस ले लिया। अगर एक्स के लिए निकालना होगा तो आप लिखिएगा एक्स इक्वल टू, अगर एक्स डायरेक्शन में यू वेलोसिटी हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए हो, वाई डायरेक्शन का निकालना होगा तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लीजिएगा, अगर एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा हो और यू इनिशियल वेलोसिटी हो ए एक्सेलरेशन हो, तो इसका एक्स निकालिएगा तो ये हो जाएगा, वाई निकालिएगा तो ये हो जाएगा, चलिए दो हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा साबित करना है, फिर वही होगा ds बटे dt बराबर क्या होता है, a होता है एक्सप्रेशन इन a डायरेक्शन इन एक्सप्रेशन s डायरेक्शन, इसको हमको चूंकि इसमें t नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे ऐसा लिखेंगे इसको, जानते होंगे डिफ्रेंशिएशन पहले भी बताया है, ds बटे ये क्या हो जाएगा ds बटे dv, और ये हो जाएगा dv बटे ये बराबर क्या होगा dv बटे dt, यही होगा। अब हम लिखेंगे dv को dv बटे ds, इसको लिख देंगे ds बटे dt, ऐसे लिख सकते हैं पहले भी बताए हैं, तो हमको t हटाना था dt हटाना था, अब क्या लिखेंगे इसको, ये रहेगा dv बटे ds ही रहेगा, और ds बटे dt क्या हो जाएगा v हो जाएगा, होगा ना v, और ये a हो गया ये, तो अब देखिए चलिए v रखिए, तो इसको लिखेंगे v dv और ये a ds हो जाएगा, समझ गए ना, ये ds हो गया। अब v का क्या है, जीरो टू v सॉरी u टू v, u इनिशियल है, जब इंटीग्रेट करेंगे इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ दे दीजिए इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू s होगा, u से v जब बनेगा तो क्या होगा, u यहाँ v लिए हैं तो ये v इस v से मतलब नहीं है, क्योंकि एक v नोटेशन है, इसे v लिखे उस v, इसको दूसरा भी कुछ लिख सकते थे,
ये सोचे डी सी वाले कुछ ले देते, या भी वन लिख देते, इसको अभी भी वन लिख देते, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वन लिख दीजिए, ये डी एस वाले डी को भी वन लिखिए, तब हो गया। तो अब इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी वन का स्क्वायर बटे हो जाएगा भी और यू, और क्या होगा, ए यहाँ लेंगे तो एस हो जाएगा, ये जीरो टू एस हो जाएगा, जीरो टू एस होगा तो यहाँ लेते हैं, तो ये हो गया भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा टू हो जाएगा, सॉरी ये होगा ना, भी वन करेंगे भी वन स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टू हो गया, जब लिमिट दिए तो अब यहाँ पर क्या हो, ए एस हो गया, अब इसको करेंगे तो क्या हो गया, भी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए एस, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, इससे हो गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आ गया, ये तीनों हो गया। देखिए इसको ग्राफ के मेथड से भी सोल्व कर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं ग्राफ, ये टी बराबर जीरो पर यू भी क्या है, यू भी के मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है इसका U, और t बराबर जब t हो जाता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है v, है ना, इस दरमियान कितना चल जाता है, s चल जाता है, एक्सेलरेशन क्या है, ये है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, s क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टी इजकल टू जीरो टू टी इजकल टू टी एन हुआ। तो अब देखिए अब ग्राफ में अगर लेंगे तो टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी ले लें, इधर लें वेलोसिटी, इधर लें टाइम, टाइम तो टी बराबर जीरो पर क्या है, यू वेलोसिटी है, यहाँ पर यू लिखेंगे, और t बराबर t पर वेलोसिटी ये होगा v, एक्सलेशन हो रहा है इसके यानी वेलोसिटी बढ़ेगा, डी एक्सलेशन रहता तब उल्टा लिखते, निगेटिव लिखते, तो ये भी क्या होता है, घट जाता, t टाइम के बाद भी घट जाता, क्योंकि एक्सलेट लिख कर रहे हैं तो v का वैल्यू और ज़्यादा होगा यहाँ, तो इस सब इस जगह क्या हो जाएगा वैल्यू, ये t बराबर t पर है ना, और u u बराबर v, तो इसको मिलाएंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं, ये हुआ। अब जानते हैं, बताए हैं कि कोई इसका ये इस ग्राफ का मान एक स्ट्रेट लाइन है या कोई भी ग्राफ ये आ रहा है, तो इसके अंडर जो कर्व होता है, अब इंटीग्रेशन में बताए हैं एरिया अंडर दिस कर्व जो देगा, या देखिए ये क्या हो गया, कैसे हुआ, अब हम लिखते हैं भी बराबर क्या होता है, ये होता है वी डी टी होता है ना, ये क्या होता है, अगर हम लिखें वी इजकल टू डी वी बटे डी टी इजकल टू क्या होगा, अभी होता है वी डी टी, ये डी एस बटे डी टी क्या होगा, एस होगा, एस होगा ना, डी एस बटे सॉरी डी एस बटे डी टी वी होगा, तो डी एस को हम क्या लिखेंगे, वी डी टी, अब डी एस को क्या लिख देते हैं, वी डी टी, ये क्या हुआ, यही इंटीग्रेशन है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी यू टू भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यही एरिया होगा, कोई अगर हम लेंगे इस पर स्ट्रिप ले लेंगे, इसको कोई स्ट्रिप लिया यहाँ से, जो एक स्ट्रिप लिया ये डी टी टाइम है, तो इसका एरिया जो होगा यही हो गया एरिया वी इंटू डी टी, अगर ये वेलोसिटी क्या है, ये हो गया वी डी टी हो गया, ये इसका ग्राफ में इधर वी है, तो ये यहाँ पर अगर कोई वी वेलोसिटी हो यहाँ पर ग्राफ में आ रहा हो, ये
ये वेलोसिटी यहाँ पर आ रहा है टी पर, यहाँ आ रहा है टी पर, ये आ रहा है वी, ये वी प्लस डी टी पर, ये ना ये टी प्लस डी टी पर ये आ रहा है, अब टू टी आ रहा है वी, तो एरिया इसका लो लेंगे तो वी इंटू डी टी होगा। इसी का जब जोड़ेंगे सबको, समेसन करेंगे, तो वही ना इंटीग्रेशन होता है, उस वही इंटीग्रेशन होता है। तो वही चीज़ ना, हम तो अब हम सीधे इसका एरिया ले लें, किसका यहाँ से एरिया ले लें, इसको ले, अगर हम ए लिखें, बी लिखें, या सी लिखें, ई जीरो ओ लिखें, तो क्या है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ ए बी, डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ है ए बी सी ओ, डेट इज एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए बी सी ओ, एरिया अंडर ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया हुआ यही ना होता है, या इसको ऐसे लिखे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेज़ॉइडल हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए ओ प्लस ए ओ प्लस बी सी बटे टू इंटू, ये डिस्टेंस हो जाएगा इंटू टी। तब देखिए ये हो गया यू, ये वो क्या हो गया यू, ये क्या हो गया वी बाई टू डी टी टी। तो अब वी को हम क्या लिख देंगे, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, तो आ गया ना ये हो गया टू ए, इसको यहाँ लिखते हैं, ये हो गया टू ए प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, तो ये आ गया आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो होता है वी इजकल टू यू प्लस वी इजकल टू यू प्लस ए टी, ये तो ग्राफ से नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल जानिए तो वी माइनस यू बटे टी क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, एवरेज एक्सप्रेशन होता है, समझिए वही है। तो उसको हम उपयोग कर दिए, हम निकाल लिए इसका एरिया, और इसी को हम अब क्या करेंगे, दूसरा तीसरा को यू स्क्वायर को यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, इससे एस बराबर क्या है, इसको मिटा देते हैं, एस बराबर आपको आ गया U प्लस वी बाई टू इंटू टी, और टी बराबर क्या हो यहाँ आएगा U प्लस वी इंटू, ये आ जाएगा टी बराबर हो जाएगा वी माइनस यू बाई ए, यहाँ से आएगा ना टी के बदले चेंज कर दी, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे ए, अब बाई टू है, ये टू यहाँ है, टू छूट गया, तो आ गया ना टू ए एस इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बस ग्राफ सब ऐसे निकलता है।